पाइप काटो यार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हम इन्हें से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। माननीय अनुपा जी का हम स्वागत करते हैं। सचिव संस्कृति मंत्रालय श्री एन के सिन्हा का राष्ट्र प्रतिष्ठा का प्रकाश जलाने वाली उस महान विभूति को शत शत नमन। भारतीयों के हमेशा हमेशा राह दिखाता रहेगा। और इस वर्ष इस श्रृंखला में 11 लोगों का स्मरण उत्सव मनाने का फैसला हुआ। उसी में हमें आज पंडित दीनदयाल जी का स्मरण उत्सव मनाने का सौभाग्य संस्कृति मंत्रालय को मिला। जो विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे उनका मन लगाकर अध्ययन किया, लेकिन दीनदयाल जी ने यहाँ वो शिक्षा और दीक्षा भी ली जो इस कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं थी। क्या सुन रहा है? मैं कुछ नहीं, अभी जोधपुर का रिजल्ट लगा। मैं क्या हुआ है? सब कुछ नहीं, हार गया। महेश जी ने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष भर जो ये कार्यक्रम चलेंगे श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों और उनके व्यक्तित्व को देश के सामने प्रत्यक्ष रूप से रखने का एक बहुत बड़ा अवसर हम लोगों को मिलेगा। आप सबका और डॉक्टर महेश जी का बहुत बहुत अभिनंदन। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी सरकार को भारत के गरीबों को समर्पित करता हूं। यह अंत्योदय भार बनने के बजाय हम अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुरूप क्या दे सकते हैं, यह हमने सोचना है। और ये तो आप देखोगे आज नहीं, ये तो आने वाले भविष्य में सालों साल चलने वाली बात वो बोलते गए। धन्यवाद श्री एन एस, कोटि कोटि धन्यवाद। और आभार हमारे परम्परा